तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम ज्योग्राफी का अगला क्लास लेकर सामने आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम देखेंगे पांच पर्याय। पांच पर्याय तो हम देखेंगे, देखिए जो पर्याय यमुनोत्री है, गंगा है, यहाँ पर देखिए इसकी सहायक नदियाँ टोंस, भागीरथी, हिंडन, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये सब हम अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम देखेंगे इसको, गंगा जब पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें देखना है प्रयाग। तो यहाँ से नदी निकलती है और प्रयागराज में जाकर के बद्रीनाथ से मिल जाती है। जो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, उससे मिल जाती है, वही प्रयागराज में ये क्या होता है, यहाँ प्रयागराज कहलाता है। अगला हमारा गंगोत्री, ये यहाँ से निकलती है, देवप्रयाग में मिलती है, इससे बद्रीनाथ से, तो यहाँ पर ये देवप्रयाग हो जाता है। उसके बाद केदारनाथ, केदारनाथ में निकलती है मंदाकिनी और ये आगे चल करके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है, बद्रीनाथ से, तो ये हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगला हमारा जो है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में देखिए अलकनंदा, अलकनंदा थोड़ा सा आगे बढ़ती है और धौली गंगा से मिलती है, तो उस जगह का नाम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और फिर अलकनंदा बढ़ती आगे चली जाती है और नंदाकिनी से मिलती है, तो यहाँ हो जाता है नंद प्रयाग। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पिंडार नदी से मिलती है, तो ये कर्ण प्रयाग हो जाता है। उसके बाद में ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो यहाँ से केदारनाथ आता है, यहाँ पर आ जाता है। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, मंदाकिनी से बद्रीनाथ मिल जाए तो रुद्रप्रयाग हो जाता है। बाकी आगे और बढ़ता जाएगा तो ये गंगोत्री देवप्रयाग, और ये आगे बढ़ती जाएगी तो यहाँ ये गंगा से मिल जाएगी प्रयागराज में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कहाँ से कौन कौन सी नदी मिलती है। देखिए अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग कहलाता है। देखिए यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी, तो ये क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो क्या हो जाता है, कर्ण प्रयाग कहता है। देखिए अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और पिंड नदी से मिल जाती है पिंडार नदी से, तो ये कर्ण प्रयाग कहलाता है। और मंदाकिनी ये अलकनंदा से मिलती है तो रुद्र प्रयाग हो जाता है। देखिए ये मंदाकिनी है और यह अलकनंदा जाती हुई है, ये मंदाकिनी यहाँ जब मिलती है तो इस जगह को नाम हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। उसके बाद में भागीरथी, अलकनंदा, देव प्रयाग। जो भागीरथी है ये नदी जो हमारी गंगोत्री नदी से जाती है, ये भागीरथी नदी है, ये हमारा क्या है, भागीरथी। तो यहाँ पर जब बद्रीनाथ से अलकनंदा से मिलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, तो यहाँ मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम पड़ जाता है। देवप्रयाग से जैसे ये यहाँ जो आगे बढ़ता है तो इसके बाद में जो ये देव के बाद गंगा नदी, नदी पर हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। देखिए अगला हम देखेंगे यमुना नदी, गंगा नदी के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि वो लंबा टॉपिक है तो उसको हम अलग रख दिए हैं, तो इसलिए हम पहले देख लेंगे यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये बंदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उपनाम कालिंदी, खुलावना वाला, ये किनारे इसी किनारे बसे नगर दिल्ली, मथुरा, आगरा, और इसी के पास में है इटावा, जो इटावा हो जाएगा इटावा। ठीक है, तो इसका एक तरीके किनारे यमुना नदी के किनारे बसा शहर तो हम देखेंगे यमुना माई दिल्ली गई, माँ ई दिल्ली गई, माँ से मथुरा, आ से हो जाएगा आगरा, ई से हो जाएगा इटावा, और दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली, तो यमुना माई दिल्ली गई। तो यमुना नदी के किनारे शहर जो बसा हुआ है इसको हम याद रखेंगे। इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, हिंद, टोंस, ये मालवा के पठार में ये सारे ये नदियाँ पाए जाते हैं। अगला जो है हमारा चंबल नदी, चंबल नदी जानते हैं आप लोग कि यमुना नदी की ये सहायक नदी है। चानापाई की पहाड़ी मऊ यमपी से इसका उद्गम होता है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तो हम बताएंगे गंगा की, और चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तो हम बताएंगे यमुना नदी की। यह एमपी के मध्य प्रदेश राजस्थान यूपी में बहती है। ये कोटा शहर इसी के शहर के किनारे बसा हुआ, ये बोहड़ का निर्माण करती है। सहायक नदी इसकी देखेंगे बनास, पार्वती, काली सिंधी, और कुंभ मेला जहाँ उज्जैन में लगता है यही पर लगता है विच्छा के पास में एमपी में, ये जो है ना ये उज्जैन में, तो ऐसे ही चंबल नदी की सहायक नदी के पास में ही लगता है ये मेला।